तो हेलो दोस्तों, आज आपको 4 इंच की कटिंग करके शर्ट को छोटी बनाना सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों डबल सिलाई करेंगे इसमें, तो आप देखते रहना पूरी वीडियो। यहाँ तक देखो दोस्तों, मैंने 1-1 इंच के हिसाब से कटिंग कर दी है इसमें, और दूसरे तो काट दिया है हमने। अब इस हिसाब से देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आएगा 1.5 यानी कि 1.5 इंच आएगा, और यहाँ से मैंने पहले खोल लिया है, कप के पास मैंने खोल लिया था, क्योंकि यहाँ पर से क्रॉस कटिंग करेंगे इसको हम सीधा फिर सिलने के बाद इसको फिट कर देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, टेलर टैग चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस तरह से दोनों तरफ से मैंने कटिंग कर लिया है, डबल कटिंग करी है दोस्तों, डबल कटिंग करी। आप एक बार देख लेना, 2 इंच उधर से 2 इंच उधर से कटिंग करी है, 4 इंच कटिंग होगी, और इसमें अगर सिलाई लगाएंगे तो 1-1 इंच हमारा अंदर जाएगा, 1-1 इंच अंदर जाएगा कपड़ा। तो यानी कि ये टोटल हमारे 6 इंच की फिटिंग आ जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से हमने कटिंग करी दोस्तों, ये आगे पीछे का पीछे को पलटेगा सारा कुछ, सिलाई पीछे को जाएगी। तो इस तरह से हमने पहले फोल्ड करना है बाजू की तरफ से, इस तरह से ये देखते जाना है दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाना शुरू कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर में आराम से कर सकते हैं दोस्तों, कोई हार्ड काम नहीं है, और पैसे बचा सकते हैं, अपनी फिटिंग खुद कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो देखनी पड़ेगी आपको ज़रूर, तो आप भी अपने घर में आराम से कर सकते हैं डबल सिलाई वाली। तो इस तरह से मैंने देखी दोस्तों, डबल पल्ला है, डबल पल्ले को भी पलटा के इस तरह से सिलाई कर रहा हूँ मैं, ये पीछे की तरफ से है, बैक की तरफ पलट रहा हूँ मैं। एक पैर के हिसाब से हमने सिलाई लगा दी है नीचे तक की पूरा बाजू से। तो आप देखते जाना किस तरह से मैं सिलाई लगा रहा हूँ और किस तरह से इसको कर रहा हूँ। आप वीडियो थोड़ी सी लंबी है, पर 7-8 मिनट की वीडियो बन रही है, इसमें फास्ट कर रखी है दोस्तों अभी, ये तो इतनी बनी। तो आराम से आप भी इस तरह से करके दोस्तों, ये पीछे को मैंने पलट दिया है, इसको पीछे को पलटेंगे इस तरह से खोल लेंगे शर्ट को। फिर ये देखिए इस तरह से करके ये पलट के ये सिलाई लगाना शुरू कर देंगे यहाँ से। आप भी इस तरह से आराम से कर सकते हैं दोस्तों, इस यहाँ पर थोड़ा सा पक्का कर देंगे बस, ये डबल स्टिचिंग शुरू हो गई दोस्तों हमारे। एक स्टिचिंग पहले करी थी मैंने, और ये हमने थोड़ा सा इसको खींच के लेंगे, और कपड़ा बीच में इकट्ठा ना हो उसको भी इधर उधर भी करेंगे और खींच के भी लेंगे हम इस तरह से। ये दोस्तों देखिए, और हम बाजू में किस तरह से सिलाई लगाते हैं वो ज़रूर देखना दोस्तों, और कप को कैसे फिट करते हैं वो भी आप आराम से देख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने शर्ट की फिटिंग कर सकते हैं घर में। तो दोस्तों ये देखिए मैंने क्या किया, जो हमारा आस्तीन है यानी कि बाजू है, तो इसके अंदर से सिलाई लगानी पड़ती है दोस्तों। थोड़ी सी यहाँ पर तो परेशानी होती है, यहाँ पर मैं आपको कैमरा दिखेगा नहीं। इस तरह से दोस्तों इसके अंदर से सिलाई करते जाते हैं, क्योंकि हमने वहाँ से शर्ट खोली इधर उधर फैलाई, पहले तो एक तरफ ही सिलाई लगाई, फिर शर्ट को खोली मैंने, वहाँ पर शर्ट खोलने के बाद सिलाई लगाई। यहाँ पर आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा, तो दूसरा मैं सिलाई लगा रहा हूँ, दूसरी तरफ से जब सिलाई लगाऊंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये देख लीजिए किस तरह से सिलाई लगा रहा हूँ मैं, तो आप भी आराम से कर लगा सकते हैं और घर में लगा सकते हैं दोस्तों। दो हाथों से, अगर एक हाथ से घुमाने वाली मशीन है तो उससे दो हाथों से आप सिलाई नहीं लगा पाएंगे, तो पैर वाली मोटर वाली लगा सकते हैं, क्योंकि एक हाथ से ऐसे करके हाथ से लगा सकते हैं सिलाई, धीरे धीरे लगा सकते हैं। और एक चीज़ खास ध्यान रखना दोस्तों, जो मशीन जाए यहाँ पर पैर के पास मशीन में लगा होता है, तेल का निशान लगे होते हैं, उसको पहले साफ़ कर लेना है, ताकि आपका कपड़ा गंदा ना हो। तो इस तरह से हम कप को अंदर कर देंगे दोस्तों, ये देखिए दोस्तों वो अंदर कर दिया मैंने, जो सिलाई लगाई थी उसके लास्ट हमारा आ गया। तो उसको साफ़ कर लेना दोस्तों, जो मैं पहले बता रहा था उसको साफ़ कर लेना, तो आपका आराम से हो जाएगा। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, थोड़ी सी फिनिशिंग के साथ हम कर सकते हैं इसको आराम से। ये देखिए
कंप्लीट हो चुका है हमारा एक तरफ का। अब मैं दूसरी तरफ से आपको सिलाई लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमने कर दिया। आप आराम से दूसरी जो दूसरा पल्ला मैं सिलूँगा उसको आराम से देख लो, और बाकी मैं म्यूजिक लगाता हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तक ज़रूर देख लेना वीडियो।